Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Let's start, continue our this week's lecture. And we are talking about the different type of formats. Those are used to store the GIS, remote sensing based data. All right. So we just talked about different type of file formats of raster data, like the ASCII format, and then we talked about the interchange format, like the TIFF format, GeoTIFF format. Then we talked about the compression formats, like JPEG format, and then we talked about the remote sensing image formats, right? तो ये चीजें हमने डिस्कस की हैं. होपफुली यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. और इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया कि जो इमेज होता है रिमोट सेंसिंग का रास्टर फॉर्मेट के अंदर होता है, और उसमें डिफरेंट पिक्सल्स की मतलब जो वैल्यूज होती हैं वो डिफरेंट जो बैंड्स हैं उसमें डिफरेंट हो सकती हैं. ठीक है, क्योंकि वो उसमें उनकी रिफ्लेक्टिविटी डिफरेंट होगी उस पर्टिकुलर मटीरियल की, किसी भी पर्टिकुलर जो वेवलेंथ की लाइट है उस रेंज के अंदर. तो ये हमारे पास बैंड सिक्वेंशियल बीएसक्यू फॉर्मेट है, जो कि पूरे बैंड की इंफॉर्मेशन के बाद अगले बैंड की शुरू होती है, जहां से पहले की खत्म होती है, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से सारे बैंड की इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाती है. फिर हमने डिस्कस किया कि बैंड इंटरलीव बाय लाइन, के लाइन बाय लाइन आप डिफरेंट बैंड की इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं. फिर उसके बाद ये है पिक्सल बाय पिक्सल बीआईपी, पिक्सल बाय पिक्सल जो है वो आप इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं. ठीक हो गया. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रास्टर बेस्ड जीआईएस डेटा. तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे आपके वेक्टर बेस्ड डेटा के कुछ एडवांटेजेस हैं एंड देन डिसएडवांटेजेस, सिमिलरली वी हैव द एडवांटेजेस ओवर हियर फॉर रास्टर डेटा. वो मोर और लेस वही है जो कि वेक्टर डाटा के डिसएडवांटेजेस हैं, और इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो आपके वेक्टर डाटा के एडवांटेजेस बन जाते हैं. ठीक है, सो दीज आर अ काइंड ऑफ ऑपोजिट थिंग्स. तो एडवांटेजेस में क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्फेसिस. ठीक है, जैसे टेम्परेचर है, पोल्यूशन है, एलिवेशन है, उसके लिए आप रास्टर डाटा जो है वो प्रेफर करते हैं, दैट इज द बेस्ट, राइट. लेकिन वेक्टर में ऐसे नहीं होता, वो उसके लिए लीस्ट सुटेबल जो है वो फॉर्मेट है. फास्टर कंप्यूटर प्रोसेसिंग, ठीक है, इस पे फास्टर कंप्यूटर प्रोसेसिंग होती है, पिक्सल बाय पिक्सल, फास्ट डिस्प्ले ऑफ सरफेस डेटा, एबिलिटी टू हैंडल लार्ज डेटाबेसेस, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट. कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ ईच एंड एवरी पिक्सल based on the analysis, all of the pixels take part in the analysis. ठीक है, जब overlay analysis होता है तो सारे pixels की base के ऊपर analysis होता है. ठीक है, लेकिन vector में क्या होता है, shapes की जो जो shape है या जो feature है उसकी shape की base पे analysis होता है, लेकिन यहाँ पे pixel by pixel होता है. ठीक है, तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम हैं वो आप इसमें सेव जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, लाइक डिजिटल एलिवेशन मॉडल जो है बनाना किसी भी पर्टिकुलर एरिया का, इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. मैनुअली आप जाके वहां पे सर्वे करते हैं, डाटा पॉइंट्स लेते हैं, फिर उसके बाद आप टोपोग्राफिक मैप्स बनाते हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ वेरी हेक्टिक प्रोसेस. लेकिन अगर आपके पास सैटेलाइट बेस्ड डेटा है जो पिक्सल बाय पिक्सल इंफॉर्मेशन लेता है, तो उसकी बेस के ऊपर आप बहुत ही कम टाइम के अंदर वहां पे डिजिटल एलिवेशन मॉडल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, टोपोग्राफिक कंटूर्स वहां पे लगा सकते हैं. ठीक है, आप प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, आप क्रॉस सेक्शंस ड्रॉ कर सकते हैं. सो दिस इज अ काइंड ऑफ वेरी वैल्यू एडेड एडवांटेज ऑफ द यूजिंग ऑफ रिमोट सेंसिंग डेटा इन रास्टर फॉर्मेट. ठीक है, डिसएडवांटेजेस में क्या है कि लिमिटेड स्कोप इन डीलिंग विद दी लीनियर फीचर्स. वही बात होगी कि लिमिटेड जो आपके जो इसके लिए बेस्ट सुटेड फॉर्मेट जो है वो वेक्टर फॉर्मेट है, लेकिन यहाँ पे रास्टर रास्टर के अंदर जो है वो उसका स्कोप लिमिटेड हो जाता है. ठीक हो गया. ऑल राइट, तो टेबुलर फॉर्म में भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस गिवन है वेक्टर और रास्टर दोनों को इकट्ठा करके.
प्रिसीजन इन ग्राफिक्स, रास्टर के अंदर ग्राफिक्स की प्रिसीजन नहीं होती, जैसे कि वो शेप्स जो होती हैं वो जिगजैग हो जाती हैं, लेकिन वेक्टर में होती है, ठीक है। ट्रेडिशनल कार्टोग्राफी रास्टर के अंदर मुश्किल है, लेकिन कार्टोग्राफी वेक्टर के अंदर होती है, आप डिजिटाइजेशन जैसे करते हैं, ठीक है। डाटा वॉल्यूम जो है वो आपका इजिली कंप्यूट हो जाता है शेप्स की बेस के ऊपर, आपका वेक्टर फॉर्मेट में, टोपोलॉजी भी आप वेक्टर फॉर्मेट में बिल्ड करते हैं। इस जो रास्टर फॉर्मेट में आप टोपोलॉजी पिक्सल बाय पिक्सल बिल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। कंप्यूटेशन जो है वो आपकी इजी जो है वो जो जो मतलब आसानी से कंप्यूटर जो कर लेता है वो आपकी रास्टर में कर लेता है, लेकिन कंप्यूटेशन जो पिक्सल बाय पिक्सल एक्चुअली जो डिफरेंट आपके जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगते हैं वो रास्टर इमेज के ऊपर ज्यादा अच्छे तरीके से लगते हैं। जो वेक्टर बेस्ड डाटा होता है उसपे जो आप सिंपल कंप्यूटेशन तो आप कर सकते हैं, वो जिसमें एट्रीब्यूट टेबल्स के अंदर भी डाटा आपका जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप जो जो क्या कहते हैं उसे कॉम्प्लेक्स किस्म की कंप्यूटेशन है वो रास्टर जो वेक्टर में नहीं होती। अपडेट कर सकते हैं रास्टर डाटा को, क्या कहते हैं उसे, बेस्ड ऑन कि जैसे आप सैटेलाइट इमेजरी जो है वो आपकी जो है वो डिफरेंट एरियाज में साल के मुख्तलिफ सीजन्स के अंदर वो एरियाज की जो इमेजरी है वो कैप्चर होती रहती है, इस तरह से वो रास्टर इमेजेस अपडेट होते रहते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया के। लेकिन जो वेक्टर इमेजेस हैं वो खुद से अपडेट नहीं होते, वो आप उसको खुद अपडेट करते हो मैनुअली, आपको उसमें नई इन्फॉर्मेशन जो है इफ इट इज अवेलेबल तो आपको वो अपडेट करनी होती है। कॉन्टिन्यूस स्पेस, अब ये कॉन्टिन्यूस स्पेस है मतलब हर चीज जो है वो रिकॉर्ड होती है, अगर आप अर्थ की स्कैनिंग करते हैं जितने भी फीचर्स हैं सारे जो है वो स्कैन हो जाते हैं, लेकिन जो वेक्टर होता है उसमें आपने डिफरेंट सिलेक्टिव जो फीचर्स हैं उन्हीं को डिजिटाइज करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन आप इजिली कर सकते हैं, वेक्टर डाटा में आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। डिसकॉन्टिन्यूअस जो फंक्शंस हैं उसके लिए वेक्टर डाटा ज्यादा बेहतर है, रास्टर जो है वो ज्यादा सुटेबल नहीं है, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी वेक्टर रास्टर बेस्ड जीआईएस डेटा मॉडलिंग। तो सिमिलरली सबसे पहले उसमें वही चीज के इनपुट फंक्शंस आ जाते हैं, ठीक है, कि सबसे पहले इनपुट फंक्शंस मीन के आपके पास जो रास्टर जो डेटा आता है वो रास्टर का जो सबसे बड़ा सोर्स क्या है, सैटेलाइट बेस्ड डेटा। तो सैटेलाइट बेस्ड डेटा एज अ इनपुट आपके पास आ जाता है, ठीक है। और या फिर ये कि आपके पास अगर वेक्टर डेटा है तो उसको रास्टराइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं इनपुट फंक्शंस कौन से लगाते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग, के डेटा को आप रीस्ट्रक्चर करते हैं, उसकी कंपाइलेशन करते हैं और उसकी एडिटिंग भी करते हैं, ठीक है। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये है कि आपके पास लेट्स सपोज एलिवेशन का डेटा आ जाता है, तो एलिवेशन का जो डाटा है वो कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो आप उसको क्लासेस में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। क्लासेस में कन्वर्ट कर देंगे आप उसकी जो है वो उसके ऊपर क्या कहते हैं उसका यूनिट चेंज कर सकते हैं, उसको आप किसी और इसकी कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी आपकी रीस्ट्रक्चरिंग है, इनपुट फंक्शंस लगा के आप रास्टर बेस्ड डाटा की रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं ताकि आप उसके ऊपर कोई एनालिसिस परफॉर्म कर सके, ठीक है। उसकी एडिटिंग भी होती है, एडिटिंग मीन के नॉइजेस कुछ डाटा के अंदर आ जाते हैं, जैसे आप सैटेलाइट बेस के अंदर जो डाटा आता है उसमें क्लाउड्स भी आ जाते हैं, ठीक है। जब आप ऊपर से स्कैन करते हैं इमेज लेते हैं तो क्लाउड्स भी आ जाते हैं, एयर की बार दफा जो कंटामिनेशन है वो आ जाती है, रेनफॉल आ जाती है, इस तरह से डिफरेंट नॉइजेस जो है वो भी रिकॉर्ड होते हैं, तो उसको भी रिमूव किया जाता है डाटा एडिटिंग के थ्रू, ठीक है। इसके बाद आप जब डाटा आपका क्लीन हो जाता है तो उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है। एनालिसिस में सिमिलरली आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ओवरले ऑपरेटर्स हैं, ज्योमेट्रिक ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। ये जिस तरह से आपके पास कुछ ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं वेक्टर डाटा में, इसी तरह से जो रास्टर डाटा है इसमें भी एनालिसिस के लिए आपके पास डिफरेंट ऑपरेटर्स जो है वो अवेलेबल है। सिमिलरली यू कैन गेट द आउटपुट, आउटपुट जो फंक्शन हैं वो रिजल्ट्स को डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है। ग्राफ्स हैं, स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो जनरेट होती हैं, सिम्बोलॉजी आप डिफरेंट यूज करते हैं डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए, राइट। सो दिस इज अ काइंड ऑफ इनपुट डाटा कलेक्शन, के इनपुट डाटा सोर्सेज या इनपुट फंक्शन जो है वो, जैसे कि ये एक सैटेलाइट इमेजरी है, ठीक है। डिफरेंट एरियाज जैसे ये आपके पास, अब ये जो इमेजेस हैं दीज आर काइंड ऑफ 50 बाय 50 किलोमीटर, 30 बाय 30 किलोमीटर, इस तरह से बड़े बड़े एरियाज को ये
जो है वो कैप्चर करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, एयर फोटोज आ जाती हैं, स्कैंड मैप्स भी आ जाते हैं, तो फिर इनको आपने डिजिटाइज करना होता है। जैसे ये जो है वो आपके पास जो है वो लेक है, तो इसको आपने क्या करना है, डिजिटाइज करना है, ठीक है। तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, आपने मतलब इसमें डिफरेंट, तो इट मीन्स के जो वेक्टर फॉर्मेट में जो जो आपके पास जो सिंपल मैप्स होते हैं जेपेग फॉर्मेट में, या जो आपके पास जो फोटोग्राफ्स होती हैं उनको डिजिटाइज करना जो है वो काफी मतलब पेनस्टेकिंग मतलब वो एक एक्टिविटी है, ठीक है। लेकिन जो आपके पास सैटेलाइट बेस्ड डाटा आता है, ये ऑलरेडी रास्टर फॉर्मेट में होता है, इसमें हर पिक्सल की इंफॉर्मेशन होती है, पिक्सल बाय पिक्सल आपकी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। डिफरेंट सारा जो डाटा है इसमें पिक्सल्स हैं, जो पिक्सल्स हैं वो डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन शो कर रहे हैं। अब ये सिमिलर कलर के पिक्सल्स क्यों यहाँ पे हैं, इट मीन्स कि ये एक तरह की इंफॉर्मेशन शो कर रहे हैं। जैसे ये वाटर है, तो वाटर के पिक्सल्स की एक ही तरह की वैल्यूज होंगी या मिलती जुलती होंगी, डेप्थ अगर उसकी किसी जगह पे कम ज्यादा है तो पिक्सल की वैल्यू थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है। तो ये सारे पिक्सल जो यहाँ पे हैं, ये सारे अ काइंड ऑफ सिमिलर पिक्सल जो कि वाटर बॉडी को शो कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वाटर जो है वो एक तरह की रिफ्लेक्टेंस है इसकी, स्नो की एक तरह की रिफ्लेक्टेंस होगी, जो बैरन लैंड है उसकी अपनी रिफ्लेक्टेंस होगी, जो आपके पास जो बिल्ट अप एरियाज है उनकी अपनी रिफ्लेक्टेंस होगी, ठीक है। तो ये इनपुट डाटा सोर्सेज हैं वेक्टर डाटा एनालिसिस के लिए, सॉरी रास्टर डाटा एनालिसिस के लिए। सो एडिटिंग कैसे करते हैं आप, बाज दफा जब आप डिजिटाइज करते हैं, बाज दफा आप रास्टराइज करते हैं डिफरेंट वेक्टर बेस्ड इमेजेस को, या ये है कि आपके पास जेपेग की फॉर्म में है तो आप उसको जब रास्टराइज करने की कोशिश करते हैं तो कुछ उसके अंदर जो डेटा है आपका उसमें कुछ एरर्स इंड्यूस हो जाते हैं, फिर आप उन एरर्स को जो है वो जो है उसको भी आप रिमूव करते हैं। जैसे कि आप ग्राफिकल डेटा एडिटिंग करते हैं वेक्टर बेस्ड डेटा जो आपके पास जो होता है प्रोसेसिंग उसके अंदर, फिलिंग द होल्स एंड गैप्स, क्या किसी जगह पे गैप्स या होल्स रह जाए, जैसे ये यहाँ पे है तो इस तरह से आप ये जो है इसको ओवरकम करके आप जो डाटा होल्स को आप इमेज को रिफाइन करते हैं, ठीक है। बाद में सैटेलाइट बेस्ड डाटा के अंदर भी इस तरह के एरर्स रह जाते हैं, गैप्स रह जाते हैं, जैसे क्लाउड कवर है उसकी वजह से ग्राउंड तक वो रेडिएशन पहुंचते नहीं है, क्लाउड उसको इंटरप्ट कर लेते हैं, फिर वो फिर आपने उस तरह के वो डाटा होल्स क्रिएट हो जाते हैं, उसको भी आपने फिर जो है वो रेक्टिफाई करना होता है। एज स्मूदिंग के बाद दफा कुछ फीचर्स आपको जो है वो जो है वहां पे उसकी जो बाउंड्री है वो प्रॉपर नजर नहीं आ रही होती, या उसमें वही के डाटा कैप्चरिंग में थोड़ा सा मसला हो गया, तो फिर उसमें आप एज स्मूदिंग या जो बाउंड्री सिंप्लीफिकेशन है वो आप इस तरीके से करते हैं, ठीक है। स्पेकल उसके बाद डेस्क क्यूइंग, डेस्क क्यूइंग का मतलब ये होता है कि आपका जो डाटा है वो थोड़ा सा उसकी जो इंक्लिनेशन है वो प्रॉपर नहीं है, जैसे ये देखिए ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ये देखिए ये डाटा, तो इसको आप प्रॉपरली जो है इसमें स्क्यूइंग है, ठीक है। डाटा जो टिल्ट हुआ है, ये जो सैटेलाइट डाटा लेट्स सपोज ये टिल्ट हुआ है थोड़ा सा, तो इसके जियो रेफरेंसिंग को प्रॉपरली आप अप्लाई करके तो इसको आप इस तरह से जो ये जो टाइल है इसको फिक्स कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली स्पेकल रिमूवल, स्पेकल रिमूवल और फिल्टरिंग, इट मीन्स कि कुछ आपके पास ऐसा डाटा पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि डाटा पॉइंट्स होते हैं जो डाटा का हिस्सा नहीं होते, तो आप उनको रिमूव करते हैं, जैसे ये है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास है, इसको आपने रिमूव करना है, इट्स अ काइंड ऑफ स्पेकल रिमूवल, जैसे कि वो छाइयां होती हैं चेहरे के ऊपर, सो दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड एज स्पेकल रिमूवल। सिमिलरली इरेजिंग एंड डिलीटिंग, बाज भाई होता है कि कुछ डाटा आपका जो है वो उसको आप क्या करते हैं कि जो अनवांटेड होता है उसको आप डिलीट कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन है, ठीक है, इस तरह से ये जो डाटा है आपका आपका अनवांटेड डाटा है, अ काइंड ऑफ नॉइज है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसको रिमूव कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं इरेज फंक्शन के साथ, ठीक है। सिमिलरली आपके पास है थिनिंग, थिनिंग का मतलब है जब आप कुछ फीचर्स जो है वो आपके क्योंकि वेक्टर से आते हैं या आप उसको जेपेग की फाइल है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं रास्टर में, तो कुछ फीचर्स आपके जो है वो ज्यादा थिक नजर आ रहे होते हैं, तो आपने उसको क्या करना है, उसको आपने प्रॉपरली जो उसकी प्रॉपर शेप है उसके अंदर आपने लेके आना है, तो उसके लिए फिर आप उसमें थिनिंग ऑपरेशन जो है वो यूज करते हैं, ठीक हो गया। सिमिलरली क्लिपिंग, क्लिपिंग मीन जितना डाटा आपको चाहिए होता है उतना आप क्लिप कर लेते हैं,
ठीक है, ये जैसे वेक्टर में भी आप करते हैं, तो इस तरह से वो डाटा आपका क्लिप हो जाता है। सिमिलरली यू कैन हैव, जब आपके पास ड्राइंग्स जो होती हैं, ड्राइंग्स की रास्टराइजेशन करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास जैसे लेजेंड्स होते हैं, लेजेंड जैसे मतलब ये जैसे के है, तो के जो लेजेंड है ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो डाटा है इसकी जो रिमूवल है वो आप, इसकी क्लीनिंग जो है वो आप ड्राइंग और रास्टराइजिंग के दौरान वो आप लेजेंड्स को रिमूव कर देंगे, या इस तरह का जो अनवांटेड डाटा है उसको भी आप यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप ये डिफरेंट एडिटिंग के फंक्शन आप रास्टर डाटा पे भी लगा सकते हैं, जिससे आप डाटा की क्वालिटी को बेहतर कर देंगे। ठीक है, आप उसको रिफाइन कर देंगे, उसमें से नॉइजेस को रिमूव कर देंगे। ऑलराइट, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रास्टर बेस्ड जीआईएस डाटा एनालिसिस। अब आप एनालिसिस कैसे कर सकते हैं? ठीक है, एनालिसिस में आप क्या करते हैं कि पहले लेयर्स जो है उनको पूरा उसकी एडिटिंग करके उसके अंदर कोई अगर नॉइजेज है उसको रिमूव करते हैं, उसकी बेस के ऊपर फिर आप जब लेयर्स क्लीन हो जाती है फिर उसके ऊपर आप कुछ एनालिसिस रन करते हैं। एनालिसिस क्यों रन करते हैं? क्योंकि आपने एक डिजायर्ड आउटपुट इंफॉर्मेशन लेनी होती है बेस्ड ऑन द डेटा एनालिसिस ऑफ द इनपुट लेयर्स। तो डेटा प्रोसेसिंग फंक्शंस टू ड्राइव स्पेशल रिलेशनशिप फंक्शंस पैटर्न्स ट्रेंड्स दैट आर इम्प्लिसिट इन द डेटा सोर्स डेटा। ठीक है, कि आपने उसमें से इंफॉर्मेशन लेनी होती है, डेटा के अंदर रिलेशनशिप ड्राइव करना होता है, आपने इंफॉर्मेशन और ट्रेंड्स को डिस्प्ले करना होता है, पैटर्न्स को आपने हाईलाइट करना होता है, तो डेफिनेटली फिर आप क्या करते हैं डाटा प्रोसेसिंग फंक्शंस में हमको लगा के फिर उसके बाद लोकल ऑपरेटर्स को लगाते हैं, जिससे आप डाटा जो है वो उसको मतलब उसकी उससे आप डिजायर्ड आउटपुट लेते हैं। तो लोकल ऑपरेटर्स में आपके पास सबसे पहले है रीक्लासिफिकेशन। जैसे आप रीक्लासिफिकेशन करते हैं वेक्टर डाटा की, इस तरह से आप इस पे भी रीक्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ओवरले एनालिसिस, ओवरले एनालिसिस में भी कुछ फंक्शंस हैं जिसको कहते हैं, जैसे वेक्टर डाटा में इस तरह से, ठीक है, इसमें लॉजिकल ओवरले एनालिसिस में आ जाता है एंड और एक्सोर और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से कहते हैं, इसको कहते हैं लॉजिकल। लॉजिकल के अंदर आता है एंड और एंड एक्सोर। उसके बाद आपके पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन। ठीक है, तो ये आगे जो फिगर्स हैं इसको हम डिस्कस भी कर लेते हैं और ये आपकी बुक के अंदर गिवन भी है। राइट, सबसे पहले रीक्लासिफिकेशन, फिगर 5.14। रीक्लासिफिकेशन, लेट्स सपोज वी हैव रास्टर डाटा एंड दैट इज इन द पिक्सेल्स फॉर्मेट। अब ये पिक्सेल्स की वैल्यू है ए बी सी डी, और इस तरह से ये जो डिफरेंट टाइप के ये जो अल्फाबेट्स हैं ये डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को शो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि ये मटेरियल्स को सरफेस के ऊपर शो कर रहे हैं, तो हम लेट्स सपोज हमने कोई एक मटेरियल को हाईलाइट करना है जो वांटेड है। लेट्स सपोज आपके पास क्ले डिपॉजिट्स हैं, आपके पास सैंड डिपॉजिट्स हैं, आपके पास जो है वो लेट्स सपोज कोई आउटक्रॉप है किसी भी मिनरल का, लेट्स सपोज आपके पास है आयरन के जो ऑक्साइड्स हैं वो सरफेस पे पड़े हुए हैं, तो फिर आपने क्या करना है इसको रीक्लासिफाई ऐसे करना है कि आपने सिर्फ आयरन ऑक्साइड को ही शो करना है। ठीक है, या कोई भी पर्टिकुलर फीचर को शो करना है तो आपने बाकी पिक्सल्स को वैल्यू जो है वो डिफरेंट कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जी ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू जीरो, सी इज इक्वल टू जीरो जीरो, डी इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स यू आर जस्ट इंटरेस्टेड इन द पिक्सल ए, so pixel a should be shown on the resultant map, so that is called as binary masking। ठीक है, ये reclassification के अंदर एक technique है binary masking। इसका मतलब क्या होगा कि आपने 1 और 0 की form में जो information आपने display करनी है उसको 1 दे दें value और जो आपने नहीं करनी उसको 0 दे दें। so this is the resultant map, that is called as binary masking। ठीक है, technique। उसके बाद एक और है, यह क्लासिफिकेशन रिडक्शन। जैसे कि नाम से ये शो हो रहा है कि आपने जो डिफरेंट क्लासेस हैं आपके मैप के अंदर वो डुप्लीकेट हो रही हैं, तो आपने क्या किया क्लासेस को, एक तो ये कि आपने उसको रिड्यूस कर दिया। ठीक है, कि आपके पास कुछ क्लासेस ऐसी होंगी जो आपस में मिलती जुलती होंगी, तो आपने उनको उनको दो क्लासों को एक में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, या अगर पांच क्लासेस हैं तो आपने उसको तीन में कन्वर्ट कर दिया,
तो इससे रिलेटेड आप जो लैब है वो भी करेंगे, रास्टर डाटा की, स्पेशली जो एलिवेशन का डाटा है आपने उसको रिक्लासीफाई कैसे करना है, ठीक है। रेंजेस जो है, डाटा रेंजेस बदल दें तो क्लासिफिकेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लेट्स सपोज एक मैप है जिसके अंदर 100 से 300 की एक क्लास है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास है सिक्स, फिर अब आपके पास 300 से आपके पास आ जाती है क्या कहते हैं उसे 500 की एक क्लास है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाती है 500 से 800 की एक क्लास है, ठीक है। तो ये आपके पास कितनी क्लासेस हैं? तीन क्लासेस हैं। आप यू आर एक्चुअली टास्क्ड टू रिड्यूस द क्लासेस इनटू टू। अगर आपको ये कहा जाता है कि आपने इनकी दो क्लासे बना दें, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे करेंगे कि 100 से 400 की एक क्लास बना दें फॉर एग्जाम्पल, और उसके बाद आप यहां से 400 से 800 की दूसरी क्लास बना दें। दिस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन रिडक्शन, ठीक है, क्लासिफिकेशन रिडक्शन मेथड। आपने इंफॉर्मेशन को जो क्लासेस की फॉर्म में गिवन है उसको आपने उनकी क्लासेस को रिड्यूस कर दिया है, ठीक हो गया। सो फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू ए, एंड सी इज इक्वल टू सी, एंड सी इज आल्सो, डी इज आल्सो इक्वल टू सी। इट मींस कि आपने जो है वो चार क्लासेस को दो में कन्वर्ट कर दिया, ठीक हो गया। सिमिलरली यू हैव अनदर मेथड दैट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन रैंकिंग, कि आपने डिफरेंट जो पिक्सल्स की वैल्यूज हैं उसको रैंक कर दिया, आपने पिक्सल्स की वैल्यू की बेस के ऊपर उसको पिक्सल्स को कोई एक मतलब किसी और यूनिट के साथ रिप्लेस कर दिया, ठीक है, रैंकिंग कर दी आपने। क्या कि 1 to 10 तक जो वैल्यूज हैं, ये लेट्स सपोज ये फर्टिलिटी इंडाइसेस हैं किसी भी एग्रीकल्चरल एरिया के अंदर, आपने जहां पे ये वैल्यू है आपने उसको मतलब 1 to 10 को लो कर दिया, 11 to 20 को आपने मीडियम कर दिया, 21 to 30 को आपने हाई कर दिया। तो इस तरह से ये आपने रैंकिंग कर दी, ठीक है, आपने उसको वैल्यूज को रैंक कर दिया बेस्ड ऑन दी फर्टिलिटी या सुटेबिलिटी, ठीक हो गया। सिमिलरली देयर इज अनदर वन दैट इज कॉल्ड एज चेंजिंग मेजरमेंट स्केल, आपने जो मेजरमेंट स्केल है किसी भी पर्टिकुलर मैप के उसको चेंज कर दिया। सो हाउ यू कैन डू दैट, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जैसे लैंड सूटेबिलिटी मैप है, सी जो है अगर आप इसको सूटेबल के से एस से शो कर दें, एल को सूटेबल इसको भी एस से शो कर दें, एस जो यहाँ पे है ये अनसूटेबल है इसको यू से शो कर दें, जी जो है वो इसको अनसूटेबल है इसको भी यू से शुरू कर इसको शो कर दें। इट मीन्स कि आपने दो क्लासेस बना दी यहाँ पे, सूटेबल एंड अनसूटेबल, ठीक है। तो इस तरह से इसे कहते हैं चेंजिंग मेजरमेंट स्केल। तो ये तीन चार, ये चार किस्म की क्लासिफिकेशन की टाइप्स हैं, बाइनरी मास्किंग, क्लासिफिकेशन रिडक्शन, क्लासिफिकेशन रैंकिंग एंड चेंजिंग मेजरमेंट स्केल्स, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन रीक्लासीफाई दी रास्टर डेटा प्रैक्टिकली। इंशाल्लाह आप लैब पोर्शन में इसको जो है वो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सिमिलरली देर इज अनदर टाइप ऑफ रीक्लासिफिकेशन बाय लॉजिकल ओवरले ऑपरेटर्स। लॉजिकल ओवरले ऑपरेटर्स, लॉजिकल ओवरले ऑपरेटर्स में हमने अभी देखा कि एंड एक फंक्शन है, एक और फंक्शन है, ये जो है और एक एक्सोर फंक्शन, ठीक है। तो अब इसकी थोड़ी सी डिटेल हम एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव लेयर ए, वो लेयर ए आपकी ये है और एक लेयर बी है, इसमें अल्फाबेट्स गिवन है ए ए बी ए ए सी 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 बी। इट मीन्स के दिस इज अ काइंड ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन देन दी अदर लेयर। दूसरी लेयर में जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज है 6 7 7 5 8 8, राइट। अब हमने क्लासिफिकेशन क्या करनी है, हमने कहना है कि ए इज इक्वल टू जीरो एंड अदर ए इज इक्वल टू वन एंड अदर्स आर जीरो। दिस इज फर्स्ट कंडीशन ऑन फर्स्ट मैप, ठीक है। अब ये हमने ओवरले एनालिसिस कर रहे हैं, पहले तो सिंगल मैप की क्लासिफिकेशन थी ना, अब हमारे पास दो लेयर्स है, उसके लिए क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, उसका ओवरले कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये पहले हमने उसको रिक्लासीफाई किया, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया कि जहां पे ए है वो 1 हो जाएगा, बाकी सारा 0, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन ऐसे ही आ जाएगी जी, रिक्लासिफिकेशन। सिमिलरली जहां पे 7 है दैट इज इक्वल टू 1, अदर्स आर 0, तो दैट इज दी
output result after reclassification. Now you are applying the overlay logical operator AND, ठीक है, on these two layers. तो जब आप वो ऑपरेटर लगाएंगे तो इसमें एंड का मतलब ये है कि इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, लेयर्स को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. एंड ऑपरेटर में ये होगा कि आपने लेयर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जहां पे वन जीरो के साथ होगा तो जीरो हो जाएगा, जहां पे आपके पास जीरो जो है वन के साथ होगा तो जीरो ही हो जाएगा, वन वन के साथ होगा तो वन होगा. तो रिजल्टेंट मैप में सिर्फ आपके पास ये दो पिक्सल आएंगे, ठीक है, आउटपुट लेयर में. विच मीन्स कि जो एंड फंक्शन है वो ये कह रहा है कि जहां पे ए भी हो और जहां पे सेवन भी हो, सो हाईलाइट ओनली दोज एरियाज, ठीक है. तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या किया, इसको इस इमेज को क्या किया, आपने रिक्लासीफाई किया, ठीक है, इस इमेज को भी आपने रिक्लासीफाई किया. देन यू अप्लाई दी एंड ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड. इट मींस वी आर इंटरेस्टेड इन दोज एरियाज विच कंटेन द वैल्यू ए एंड सेवन, राइट. तो बाकी सारा जो है वो जीरो हो गया. So this is the output layer. Sometime we need to apply this kind of logical overlay operator. इसकी समझ आ गई आपको? Now we have OR operator. OR operator is a kind of opposite to AND operator. For example, सबसे पहले आपने क्या किया कि ये let's suppose the same layer है जो यहाँ पे ऑपरेशन किया आपने वन पे रिक्लासिफिकेशन में, कि आपने सेवन ए ए को वन वन दे दिया और जहां सेवन उसको वन वन दे दिया बाकी जीरो है. और ऑपरेटर में क्या होगा, ये अ काइंड ऑफ एक्चुअली ये प्लस है, इसमें आपने क्या करना है, और ऑपरेटर में दोनों को जमा करना है. दिस इज अ काइंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन. और ऑपरेटर में ये पिक्सल जमा होंगे, पिक्सल जमा होंगे तो आपके पास क्या होगा कि जहां पे अब इसमें कोई भी चीज जीरो नहीं होगी अगर वहां पे कोई किसी एक पिक्सल में भी कोई वैल्यू है, तो जहां पे दोनों में जीरो है वो तो जीरो ही रहेगी, ठीक है. तो ये आपके पास जो है ना वो ये वाली इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है. इसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें ये होगा कि जहां पे ये एडिशन हो जाएगी, कुछ जगहों पर दोनों जो है वो फंक्शन दोनों ही अवेलेबल है या दोनों फीचर्स की वैल्यूज हैं, तो वहां पे जो है वो डबल हो जाएगी वैल्यू. तो आपने क्या करना है, उसको आपने जो है वो फिर डिवाइड कर देना है उसी फैक्टर के ऊपर, ताकि वो वहां पे वो वैल्यू डबल नहीं हो. तो इसमें क्लासिफिकेशन का रूल लगाएंगे, टू इज इक्वल टू वन, और आपके पास आउटपुट लेयर है वो इस तरह से आ जाएगी, ठीक है. इसमें और इसमें फर्क क्या है, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस. इसमें क्या है कि जहां पे वो वैल्यूज डुप्लीकेट हो रही है, दोनों वैल्यूज हैं वो शो अप हो गई और बाकी नहीं. यहां पे क्या हुआ कि जहां पे इनमें से कोई भी प्रेजेंट है, लेट्स सपोज यहां पे आप देखेंगे यहां पे ए प्रेजेंट है और यहां पे जो है ना वो आपका जो है वो यहां पे वो सेवन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे वैल्यू आ गई. इसका मतलब क्या है कि जहां पे रिपीट होगी वहां पे भी वैल्यू जो है ना वो डबल की बजाय वो सिंगल ही रहेगी, और बाकी जहां पे वैल्यू कोई भी एक है वो सारे जो है वो उनको एक वैल्यू असाइन हो जाएगी. लेकिन जहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है किसी भी पिक्सल में, आप देखें किसी भी लेयर में, यहां पे भी नहीं है कोई इंफॉर्मेशन, वो कैसे, यहां पे भी वो इंफॉर्मेशन नहीं है, यहां पे भी वो नहीं है, इसलिए रिजल्टेंट जो मैप है उसमें भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. इट मीन्स के जहां पे डुप्लीकेट होगी वो सिंगल हो जाएगी इंफॉर्मेशन, और बाकी जगहों पे जहां पे कोई भी एक पिक्सल की वैल्यू वहां पे है, ए है या सेवन है, तो वो वन वन हो जाएगी, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज ओवरले लॉजिकल ऑपरेटर और टू फाइंड इधर ए और सेवन इन इनपुट रास्टर लेयर, ठीक है. सिमिलरली वी हैव अनदर ऑपरेटर दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉर. एक्सॉर में क्या कर रहे हैं, सिमिलरली ये वही रिक्लासिफिकेशन है, ठीक है. एक्सॉर का क्या मतलब है, आपने ये करना है कि एक्सॉर में वही आपने एडिशन करनी है, लेकिन जहां पे वो वैल्यू डुप्लीकेट हो जाएगी, मतलब जहां पे वो वैल्यू डबल हो जाएगी, ठीक है, वो जीरो हो जाएगी, और जहां पे उनमें से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए कि या तो वहां पे ए जो है वो अवेलेबल हो उस पिक्सल में, या वहां पे सेवन अवेलेबल हो, मतलब जो रिपीट नहीं हो,
जहां पे दोनों हो वो जीरो हो जाएंगे और जहां पे नहीं है वो भी जीरो। तो इस तरह से आपके पास ये आउटपुट लेयर जो है वो ये वाली आ जाएगी। सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूजिंग एंड फंक्शन और फंक्शन और एक्सोर फंक्शन? ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आई यू आर वेरी वेलकम टू रिवाइंड द लेक्चर एंड लिसन माय इंस्ट्रक्शंस। अगर फिर भी समझ नहीं आती यू आर वेरी वेलकम टू आस्क मी द क्वेश्चंस, ठीक है, थ्रू व्हाट्सएप और ऑन द गूगल क्लासरूम। नाउ देयर इज अनदर टाइप ऑफ रीक्लासिफिकेशन और ओवरले एनालिसिस ऑपरेटर दैट इज बेस्ड ऑन सम मैथमेटिकल और अरिथमेटिकल फंक्शंस। जैसा कि अगर आपने क्या किया, यहाँ पे एक लेयर ए है और ये दूसरी लेयर है, और आपने क्या किया ए में से दूसरी लेयर को माइनस कर दिया, तो ये इसे कहते हैं सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब कि जो जो पिक्सल हैं वो आपस में, जैसे ये पिक्सल है ए और ये भी ए है, तो ए माइनस ए, ए माइनस सी, ये ए है और ये सी है। इस तरह से पिक्सल्स की वैल्यूज जो हैं वो किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए, अगर आपके पास दो लेयर्स का डाटा है तो एक को दूसरे से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज सब्ट्रैक्शन फंक्शन, सिंपल। उसके बाद है ओवरले बाय अरिथमेटिक बाय मल्टीप्लीकेशन। आपने मल्टीप्लाई करना, अब ये देखिए दोनों लेयर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, जहां जहां जो पिक्सल है उसकी लोकेशन के हिसाब से ये मल्टीप्लाई होके ये आपके पास आउटपुट जो है वो लेयर आ गई, ठीक हो गया। सिमिलरली आपके पास अनदर है ओवरले बाय अरिथमेटिक फंक्शन जो आपके पास है, क्या कहते हैं उसे, लेट मी चेक कि क्या लिखा हुआ है, असाइनमेंट टू सिलेक्ट सूटेबल साइट्स। अब ओवरले बाय अरिथमेटिक असाइनमेंट फंक्शन, ये है आपका असाइनमेंट फंक्शन। इसमें क्या हो रहा है, आपके पास वही के ये दो लेयर्स है, लैंड कवर टाइप है और ये दूसरा टोपोग्राफी है। ये क्या है, लैंड कवर टाइप है और ये है टोपोग्राफी, के स्लोप का एंगल है और उसके बाद ये लैंड कवर है। अब आपने क्या किया है, आपने रीक्लासिफिकेशन कर दी सूटेबल के लिए, कि अगर लेट्स सपोज यहाँ पे स्लोप आपकी लेस देन 6 डिग्री है तो सूटेबल है, और यहाँ पे रीक्लासिफिकेशन आपने सूटेबल की ए और बी की फॉर्म में आपने ये जो है ना इसको सूटेबल अनसूटेबल में कन्वर्ट कर दिया, ये जो है यहाँ से। अब आपने इस पे ये असाइनमेंट कर दी कि अगर स्लोप आपके लेस देन 6 डिग्री है तो वो सूटेबल है, और ये भी उसके हिसाब से आपने जब इसको पिक्सल वाइज जो कंपेयर किया आपने, तो आपके पास सिर्फ ये साइट्स जो है ये सूटेबल निकलती है, ठीक है। इट मीन्स कि ये है असाइनमेंट फंक्शन, कि आपने असाइन कर दी कुछ वैल्यूज, ऐसी कंडीशंस लगा दी कि दोनों मैप्स अगर वो फुलफिल कर रहे हैं तो वो आपके पास जो है वो सूटेबिलिटी मैप इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। सो दीज आर अ काइंड ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, दोज आर यूज्ड फॉर द रास्टर डेटा एनालिसिस। मोर और लेस ये सिमिलर है आपके वेक्टर डेटा के साथ, लेकिन जो रास्टर डेटा है उसको हम ज्यादा बेहतर तरीके से उसके ऊपर आप इस तरह के फंक्शंस लगा सकते हैं, ठीक है। और जनरली जब आप कोई भी एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो या तो सारी लेयर्स आपकी वेक्टर फॉर्मेट में हो तो फिर आप वेक्टर बेस्ड डाटा एनालिसिस यूज करेंगे। अगर आपने रास्टर बेस्ड डाटा एनालिसिस यूज करना है तो उसमें हो सकता है कुछ आपकी रास्टर लेयर्स हो, कुछ वेक्टर हो, तो फिर आप वेक्टर को रास्टर में कन्वर्ट करेंगे ताकि सारी लेयर्स एक फॉर्मेट में आए, फिर आप जो है वो रास्टर बेस्ड एनालिसिस उस पर लगा सकते हैं। ऑलराइट, सो इन आर्क जीआईएस सॉफ्टवेयर वहां पे एक रास्टर कैलकुलेटर है, कि रास्टर कैलकुलेटर अवेलेबल है, जैसे आपका सिंपल कैलकुलेटर है इस तरह से रास्टर कैलकुलेटर भी है, जो पिक्सल बाय पिक्सल आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं। प्लस वो तीन लेयर्स हैं आपके पास, रास्टर वन, रास्टर टू, रास्टर थ्री, आपने तीनों को जमा करना है। तो आप पहले तो ये डाटा सेलेक्ट करेंगे मैप अलजेब्रा में, रास्टर कैलकुलेटर है मैप अलजेब्रा के अंदर, वहां से आप जाएंगे इसमें और वहां से आपने जो लेयर्स आपने जमा करनी है, लेट्स सपोज के ये लेयर्स ऐसी हैं कि एक क्या कहते हैं डिफरेंट टाइप के इसमें इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसको आपने जमा करना है, तो आपके पास रास्टर वन है, रास्टर टू है, रास्टर थ्री। अब आपने क्या किया, कैलकुलेटर जिस तरह से है, पहले आपने इस लेयर को सिलेक्ट करना है, यहां से सिलेक्ट करके तो फिर उसके बाद आपने ये प्रेस वाला साइन जो है ना इसको करना है,
ठीक है, इसको आप करेंगे तो उसके बाद फिर दूसरी लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद प्लस वाला साइन जो है उसको करेंगे, फिर तीसरी लेयर को करेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, उसको आपने एंटर कर देना है। एंटर कर देना है तो आपके पास उस फिर आपने उसको कोई नाम दे देना है कहाँ पे सेव करना है आउटपुट रास्टर को, और फिर आप ओके करेंगे तो वो आपके पास जो लेयर आएगी वो तीनों लेयर्स को जमा करके आपके पास आउटपुट लेयर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप रास्टर कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं, डिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज के लिए आप उसको रास्टर कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं, आप रास्टर डाटा को मतलब उसके एनालिसिस में। ऑल राइट, सो यूज ऑफ रास्टर डेटा पहले भी हमने थोड़ा डिस्कस किया कि इसके एप्लीकेशन क्या सकते हैं, एप्लीकेशंस क्या है कि एप्लीकेशन में आप डिफरेंट टाइप के एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल थीमेटिक मैप्स, थीमेटिक मैप्स वो होते हैं जिसमें किसी भी फिनोमेने को आप डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी फीचर को जो है वो आप क्वांटिफाई कर रहे हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास वेजिटेशन है, ठीक है, अब वेजिटेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो वेजिटेशन की डिफरेंट टाइप्स को शो करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे ये है कि एग्रीकल्चर कहाँ पे है, बेयर ग्राउंड कहाँ पे है, वाटर कहाँ पे है, डेसीडुअस ट्रीज कहाँ पे है, डेसीडुअस एंड पाइन मिक्स कहाँ पे है, ग्रास किधर है, पाइन किधर है, शेडो किधर है, अर्बन डेवलप्ड लैंड किधर है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ लैंड यूज मैप, ठीक है, ये लैंड यूज मैप है जिसमें आप देखेंगे डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन भी है, बैरन लैंड भी है, वाटर भी है। तो इस तरह का जो लैंड यूज मैप है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी सैटेलाइट इमेजरी के। सैटेलाइट इमेजरी के ऊपर आप पिक्सल्स को सिलेक्ट करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पिक्सल्स किस चीज को शो कर रहे हैं, उन पिक्सल्स के बेस के ऊपर आप लेयर को क्लासीफाई करते हैं, और उसके बाद आपके पास जो है वो लैंड यूज मैप आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली इफ यू हैव अ काइंड ऑफ, ये आपके पास डिजिटल एलिवेशन मॉडल है। अब ये जो डिफरेंट कलर शो कर रहे हैं आपके पास, ये डिफरेंट एलिवेशन के पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो उसकी बेस के ऊपर आप डिजिटल एलिवेशन मॉडल जो है वो 3D रूट जो है वो इससे 3D मैप कन्वर्ट कर सकते हैं, इस सिंपल DEM जो है जो 2D में आपको शो कर रहा है एलिवेशन की वैल्यूज, इसको आप 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्टिन्यूस, तो एलिवेशन जो है वो कॉन्टिन्यूस सर्फेस है, तो कॉन्टिन्यूस फिनोमिनल्स को आप रास्टर की मदद से जो है वो शो कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन परफॉर्म दी एनालिसिस। अब यहाँ पे मेरे पेपर में से मैंने कुछ ये इनपुट लेयर मैप्स जो है वो यहाँ पे दिए हैं, और उसकी बेस पे एनालिसिस करके लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैप जो थे वो जनरेट किए थे। राइट, तो एनालिसिस के लिए डेफिनेटली वी नीड टू परफॉर्म दोज एनालिसिस ऑन द इनपुट लेयर्स। तो इनपुट लेयर जो आपकी ससेप्टेबिलिटी पे लैंडस्लाइड की अफेक्ट करती हैं वो हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हेयर वी हैव एलिवेशन मैप, एलिवेशन मीटर्स में गिवन है। अब ये देखेंगे ये पूरा नॉर्थर्न एरिया का, ये अपर इंडस रिवर, यहाँ पे तरबेला डैम है, ठीक है, वहां से ऊपर जो है वो सारा आपका ये अपर इंडस रिवर बेसिन है। इसके ये एलिवेशन शो कर रहा है कि आपका मतलब कहाँ कहाँ पे लोएस्ट एलिवेशन के जोन है, कहाँ पे हाइएस्ट के है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 8,000 मीटर से अबव जो एरिया है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, माउंटेन जैसे कि K2 है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, K2 जो है वो इस जोन के अंदर आएगी, बिल्कुल बाउंड्री है चाइना की तो उसके पास। सो वी हैव स्लोप मैप, स्लोप जो है वो भी इफेक्ट करती है सारे लैंडस्लाइड्स के ऊपर, के एंगल जितना ज्यादा होगा अपेरेंटली लैंडस्लाइड वहां पे ज्यादा ट्रिगर हो सकती है। आल्टीट्यूड भी आपकी जो है वो मतलब बहुत ज्यादा हाईएस्ट आल्टीट्यूड पे तो लैंडस्लाइड ट्रिगर नहीं होती, वो तो स्नो कवर्ड पीक्स होती हैं, लेकिन जो मीडियम रेंज की जो आपकी जो है आपके पास क्या कहते हैं उसे जो स्लोप्स हैं जैसे मरी वगैरह है, वहां पे जो है वो लैंडस्लाइड ट्रिगर होती है एलिवेशन पे। ठीक है, इसका स्लोप एंगल है दैट इज आल्सो वेरी क्रिटिकल, ये भी होना चाहिए आपके पास। सिमिलरली कर्वेचर जो है, कर्वेचर का मैप भी होना चाहिए आपके पास। एस्पेक्ट जो है उसका मैप, एस्पेक्ट मीन के स्लोप जो है वो किस डायरेक्शन को फेस कर रही है। आपको पता है कि जो रेनफॉल है वो उसकी भी एक डायरेक्शन होती है, तो किस डायरेक्शन में रेनफॉल ज्यादा इम्पेक्ट करती है, जिस डायरेक्शन में ज्यादा रेनफॉल होती है वेदरिंग उस डायरेक्शन में ज्यादा होगी, तो इट मीन्स के जो स्लोप फेसेस हैं वो भी मैटर करती हैं कि किस तरफ हैं वो, तो उसकी बेस के ऊपर जो है वो लैंडस्लाइडिंग जा रही है कि जहां पे रेनफॉल जिस तरफ ज्यादा होगी, इरोजन ज्यादा होगी, तो वहां पे लैंडस्लाइड्स के चांसेस भी ज्यादा है। कर्वेचर मैप जो है वो बताता है कि स्लोप आपकी कैसी है, कॉनकेव है या वो कॉन्वेक्स है। ठीक
ठीक है, तो इसकी बेस के ऊपर भी लैंडस्लाइडिंग का जो है वो जो है मतलब वो डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे ज्यादा लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। ठीक है, इस तरह से ये इनपुट लेयर्स हैं, और इस तरह की तकरीबन 10 इनपुट लेयर्स थी जो यूज हुई थी मैंने ससेप्टेबिलिटी एनालिसिस में यूज की। उसमें एक है लैंड कवर मैप, जिसे कहते हैं एनडीवीआई मैप, कि कहाँ पे बेयर सॉइल है, कहाँ पे जो डेंस है, कहाँ पे लेस डेंस है, तो उसके हिसाब से आप उसको रैंकिंग दे देंगे। ये रिक्लासिफिकेशन, ये देखो ये आपकी क्या है, रिक्लासिफिकेशन से आपने उसकी रैंकिंग की है या रेटिंग की है। साइज़मिक हैज़र्ड मैप भी हमें चाहिए, कहाँ पे अर्थक्वेक ज्यादा ट्रिगर हो सकते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से। फिर उसके बाद स्लोप एस्पेक्ट मैप, कि स्लोप की कौन सी जो फेस है वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है टूवर्ड्स द रेनफॉल, ठीक है, वो फिर लैंडस्लाइड उसी में ज्यादा होंगी। ठीक है, स्लोप मैप है, उसकी रैंकिंग है। अब जितना रैंक ज्यादा होगा उतनी वो जो है वो ज्यादा पोटेंशियल है लैंडस्लाइड के ट्रिगर होने का, जितनी रैंकिंग कम है, रेटिंग कम है, उसने लेस चांसेस है। ठीक है, जैसे स्लोप लेस होगी तो उसमें लैंडस्लाइडिंग के चांसेस लेस हो जाएंगे। ड्रेनेज का मैप, कि जहां पे रिवर ज्यादा फ्लो कर रहे होते, जाहिर है कि वो अंडर कटिंग करते हैं, अंडर कटिंग करते हैं तो वहां पे लैंडस्लाइडिंग ज्यादा होती है रिवर के अलॉन्ग, तो जहां पे रिवर होते हैं या ड्रेनेज सिस्टम आपका वहां पे है, चैनल्स हैं वहां पे भी लैंडस्लाइडिंग ज्यादा हो सकती है, तो इसलिए उनको भी हम ज्यादा वेट देते हैं। सिमिलरली रिलीफ मैप, रिलीफ मीन ये एलिवेशन का मैप है, ठीक है, इसको भी डिस्कस कर लिया है। उसके बाद मॉनसून रेनफॉल मैप, रेनफॉल ज्यादा होगी तो ये आपके पास जो है वो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, फॉल्ट के करीब जितना एरिया होगा वहां पे भी, क्योंकि अर्थक्वेक आते हैं तो फॉल्ट एक्टिवेट होते हैं तो लैंड स्लाइडिंग ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरह से ग्लेशियर्स को यहाँ पे कोई रेटिंग नहीं दी गई, क्योंकि ग्लेशियर्स जो है वो उनकी मूवमेंट जो है वो जो अर्थ मूवमेंट है उससे काफी डिफरेंट होती है, तो यहाँ पे फिर जितने भी ग्लेशियर्स थे उसके नीचे जो मूवमेंट है उसको प्रिडिक्ट नहीं किया गया, उसको जस्ट एज अ मास्किंग लेयर उसके ऊपर डिस्प्ले कर दिया गया, इसके नीचे जो भी मूवमेंट है वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी लेयर्स को पहले क्लासीफाई किया, फिर उसके बाद रिक्लासीफाई किया, उसको रेटिंग दी। जैसे ये रिक्लासिफिकेशन जो है ना, ये रेटिंग जो हमने यहाँ पे की है ये रिक्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो उसकी बेस के ऊपर फिर इसके ऊपर हम एनालिसिस रन कर सकते हैं कि लैंडस्लाइड कहाँ पे हो सकती है, कहाँ पे नहीं हो सकती, तो उसकी उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, मैथडोलॉजी अप्लाई करते हैं, वही के ओवरले डाटा एनालिसिस। आपने ये फ्लो चार्ट जो है पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो फ्लो चार्ट अब शायद आपको ज्यादा समझ आए कि इसमें आप ये देखें कि आपके पास लैंडस्लाइड, क्योंकि आप लैंडस्लाइड हैजर्ड स्टडी कर रहे हैं, उसमें आपने पहले देखना है कि सैटेलाइट से कौन सा डाटा आया, जियोलॉजिकल मैप से लिथोलॉजी आपके पास आ गई, टेक्टोनिक मैप से आपके पास साइज़मिक हैज़र्ड मैप आ गया, रेनफॉल से आपके पास इंसिडेंट रेनफॉल या विंड ड्रिवन रेनफॉल इंटेंसिटी आ गई, और जो आपके पास लैंडसैट जो एक सैटेलाइट डेटा है जिसको हम मिड टर्म के बाद इसके बारे में पढ़ेंगे, वहां से आपने लैंड कवर मैप ले लिया, लैंड यूज मैप, एस्टर जो है डिजिटल एलिवेशन मॉडल से आपने एलिवेशन मैप निकाल लिया, स्लोप मैप निकाल लिया, कर्वेचर मैप निकाल लिया, एंगल मैप निकाल लिया, सारे आपके डिजिटल एलिवेशन मॉडल जो बेसिक मैप है, इमेजरी है, उससे आप ये सारे मैप जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये सारों की रिक्लासिफिकेशन हुई, ये जो रिक्लासिफिकेशन है यहाँ पे, रिक्लासिफिकेशन के बाद आपने क्या किया कि सारे मैप्स की रैंकिंग की। ठीक है, रैंकिंग के बाद आपने मेथड अप्लाई किया, या ह्यूरिस्टिक इंडेक्स मेथड मैंने यूज किया, उसके बाद फजी लॉजिक मैंने मेथड यूज किया, तो रिजल्ट क्या आया, लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग, लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैप प्रोड्यूस हुए, ये टू डिफरेंट मेथड्स यूज किए, और उसके बेस पे फिर ये रिजल्ट्स को कंपेयर भी किया कि क्या रिजल्ट्स जो है वो कंपेयरेबल हैं या नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसकी वैलिडेशन के ऑन ग्राउंड जो है वो क्या सिचुएशन है। ठीक है, so this is how you can perform this type of methodology to perform the susceptibility analysis of a particular area to find out the hazard zones related to landsliding. ठीक है, इसी तरह से आप लैंड सूटेबिलिटी एनालिसिस कर सकते हैं, इसी तरह से आप किसी भी एरिया में जो है ना क्वेरी का एनालिसिस कर सकते हैं कि कहाँ पे क्वेरी डेवलप कर सकते हैं माइनिंग के लिए, कहाँ पे आप मिनरल एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, कहाँ पे आप जो है वो ऑयल एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, इस तरह से डिफरेंट टाइप के जो एनालिसिस हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं बाय फॉलोइंग द सिमिलर काइंड ऑफ मेथोडोलॉजी। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है उसकी,
और दिस इज अ काइंड ऑफ आउटपुट रिजल्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब वो आपने सारी लेयर्स पे एनालिसिस लगाया ये वाला, उसके बाद ये इस तरह का मैप जनरेट हुआ। ये जूम इन मैप है पूरे नॉर्दर्न एरिया में, मतलब जो कुछ एरिया को जूम करके यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे पिक्सल बाय पिक्सल आप वैल्यूज देखें कि लो जो है वो 25% से कम हैजर्ड है, तो लो में है, मॉडरेट है 26 से 46, तो ये आपका लो है। उसके बाद हाई जो है 46 से 65, ये येलो कलर में शो हो रही है, जैसे ये है। तो इन एरियाज में लो ससेप्टिबिलिटी है, यहाँ पे लैंडस्लाइड्स और जो है ना उसकी ससेप्टिबिलिटी हाई है, और जहाँ पे रेड है यहाँ पे वेरी हाई है, यहाँ पे जो है वो स्लाइड्स हो सकती है। जैसे ये स्लोप है, यहाँ पे ये हाई जोन है, ये सारे आपके क्या है हाई जोन है कि इधर लैंडस्लाइड हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैप क्रिएट कर सकते हैं, और सिमिलरली अदर काइंड ऑफ सूटेबिलिटी एनालिसिस भी रन कर सकते हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ वैलिडेशन प्रोसेस कि आपने जो लैंडस्लाइड मैपिंग की है, हैजर्ड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग की है, वहां पे आप ये जो लैंडस्लाइड्स आप देख रहे हैं, ये मैपिंग है, ये आपने पहले लैंडस्लाइड मैप की हुई उस एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया में, उसको यहाँ पे ओवरलैप कर दिया है इस ससेप्टेबिलिटी मैप के ऊपर, ये लैंडस्लाइड ओवरलैप हो गई है। तो आप ये देख लें, इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो आपकी लेट्स फॉर ये हाई जोन है, हाई टू वेरी हाई जोन के अंदर ज्यादातर लैंडस्लाइड्स आपकी आ रही हैं। ऑलरेडी जो ससेप्टेबिलिटी मैपिंग ने आपको हाई टू वेरी हाई जोन दी है, वहां पर आपकी ये स्लाइड जो है वो मैप हो रही है ज्यादातर। ठीक है, इट मीन्स कि आपका जो लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग का जो प्रोसीजर है, इट इज ओके। ठीक है, उसके अलावा ये डॉक्यूमेंटेड स्लाइड, इसका मतलब ये कि ये आपकी स्लाइड्स हिस्टोरिक स्लाइड्स हैं जो कि पहले से वहां पर ट्रिगर हुई और बड़े अच्छे तरीके से आपने मैप की हुई है। इनकी लोकेशन भी काफी ज्यादा हाई और वेरी हाई जोन के अंदर ही आ रही है, मींस के ओवर स्टडी इज रीजनेबल, और इसकी वैलिडेशन जो है वो इस तरह से हो सकती है। ठीक है, सिमिलरली देयर वॉज ऑल्सो अनदर प्रोजेक्ट दैट वॉज एक्चुअली ऑन विच आई वर्क विद वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इसकी रिपोर्ट सबमिट हो गई हुई है, और इसमें मल्टी क्राइटेरिया जो एनालिसिस था वो लगाया इसके ऊपर। ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का मल्टी क्राइटेरिया एनालिसिस था, जो कि असेसमेंट हमने क्या की, असेसमेंट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी जोन्स अक्रॉस पाकिस्तान यूजिंग GIS बेस्ड मल्टी क्राइटेरिया एनालिसिस, और इसमें हमने विंड और सोलर के जो डिफरेंट आपके पास जो सूटेबल एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई किया, और वहां पे ये भी जो है वो उसको हमने फाइनेंशियल एनालिसिस भी इसका परफॉर्म किया, और उसके अंदर ये है कि ये बताया कि कहाँ कहाँ पे आपको बिजली कितने रुपए पर यूनिट पड़ेगी। ठीक है, ये जो है वो अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स ये शो कर रहा है कि जहां पे आपके पास रैंकिंग ज्यादा है अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स की, वो बहुत ज्यादा सूटेबल एरियाज हैं आपके पास सोलर के लिए। ये सोलर का मैप है। ठीक है, और इसमें आप ये देखेंगे ट्रांसमिशन लाइंस गिवन है, आपके पास ग्रिड स्टेशंस हैं वो उनका डाटा गिवन है। सो दिस वाज अ काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस जिसके अंदर बहुत बहुत सारी लेयर्स यूज की गई। ठीक है, जिसकी बेस के ऊपर जो है सोलर जो आपके पास जो मोस्ट सूटेबल साइट्स है वो यहाँ पे हाईलाइट कर दी गई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, आप अपने एरिया को देख सकते हैं कि आपका एरिया जो है वो बेस्ड ऑन योर लोकेशन किस जोन में आता है। ठीक है, सो दिस इज द सोलर मैप। ठीक है, सिमिलरली ये जो है ये आपका विंड बेस्ड जो एनालिसिस है, अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स विद ग्रिड कनेक्शन फॉर विंड, तो ये विंड के लिए एनालिसिस किया गया है कि आप इसमें देखेंगे जो विंड जो है उसी में वही स्केल रखा गया कि अट्रैक्टिव एरियाज आपके ये वाले हैं, जैसे ये जो आपका बलूचिस्तान का एरिया है, सिंध में ये वाला जो एरिया है ये काफी अट्रैक्टिव है, KPK में ये एरिया जो है वो अट्रैक्टिव है, इसी तरह से पंजाब में आपके पास ये जो रहीम यार खान भावलपुर वगैरह का जो एरिया, यहाँ पे अट्रैक्टिव, इसके अलावा कुछ कॉरिडोर्स आपके कलर खार वाले एरिया में भी अवेलेबल है। ठीक है, सो दिस वाज द एनालिसिस फॉर द विंड। ठीक है, इसमें मल्टी क्राइटेरिया GIS बेस्ड अप्रोचेस जो कि थोड़ी सी एडवांस्ड है उनको यूज किया गया वर्ल्ड बैंक की सजेशन की बेस के ऊपर, और ये एक रिपोर्ट जनरेट की गई है जिसमें ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ साइट्स जो है वो आइडेंटिफाई की गई है जहां पे जो है ये सोलर और विंड पोटेंशियल पाकिस्तान में अवेलेबल है,
और ये एनालिसिस भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको परफॉर्म किया, साथ में मेरा जो कोलीग थे उमर वकास, उन्होंने हमने मिलके ये सारा एनालिसिस परफॉर्म किया। और उसके बाद जो है जो रिपोर्ट राइटिंग में भी आई को ऑथर्ड दैट रिपोर्ट, और इंशाल्लाह ये वर्ल्ड बैंक की साइट पे जो है वो बड़ी जल्दी जो है वो पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, सो इट वाज अ काइंड ऑफ बिग थिंग। और आप ये देख सकते हैं कि जीआईएस बेस्ड एनालिसिस जो है वो हर तरह की स्टडी के लिए आप लगा सकते हैं। ठीक है, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर वेरी वेलकम टू आस्क। और दिस इज नॉट ऑल अबाउट दी रास्टर बेस्ड डाटा एनालिसिस, थोड़ी सी बेसिक चीजें हमने डिस्कस की हैं यहाँ पे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको आप मतलब पूछ सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीक, थैंक यू।